आज कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का की तरफ से एक डेलीगेशन, जिसमें मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल, फौसाल के भीतर जितनी भी हमारी रिजर्व कैटेगरी हैं, रिजर्व क्लासेस हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट और भी जो कम्युनिटीज़ हैं जो इस रिजर्वेशन के दायरे में आती हैं, उन सबका एक कमीशन के द्वारा पूरा रिव्यू किया जाना था। और इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, कौन सी कास्ट हैं, कम्युनिटी हैं जिनको रिजर्वेशन के दायरे में लाना चाहिए और कौन सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रखना है, इन सब के लिए ये कमीशन गठित हुआ था। और इसी साल सवा साल के पीरियड में लगभग जम्मू से, कश्मीर से, लगभग सभी कम्युनिटीज़ के, सभी कास्ट के जो डेपुटेशंस हैं वो इस कमीशन से जम्मू में भी मिले और श्रीनगर में भी मिले। उसी कड़ी में कमीशन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक न्योता दिया गया, निमंत्रण दिया गया कि सभी कम्युनिटीज़ हमें, हमारे पास आई हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और आप एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अपना सुझाव दें और हमसे बात करें कि आपके जो सजेशन हैं, ताकि वो कमीशन उस पर काम कर सके और जल्दी से वो रिपोर्ट जो है सबमिट हो सके। साथियों, आज ये डेलीगेशन हमारा जो है 6 लोगों का, आज कमीशन से हम मिले, वहाँ हमने बात की। जो हमारी कुछ बैकवर्ड एरिया के रहने वाले लोग हैं, बैकवर्ड के नाम पे ये हम ये मानते हैं, भाजपा ये मानती है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही ज़्यादा धांधली होती थी और रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया के नाम पे काफ़ी सारे जो लोग जो कि बैकवर्ड नहीं थे या उस कैटेगरी में नहीं फॉल करते थे, वो उसका नजायज़ फ़ायदा उठा के आरबी का सर्टिफिकेट बनता था। हमने ये कमीशन से रिक्वेस्ट की है कि इसको रिव्यू किया जाए और कौन कौन से एरिया हैं जिनको ये हमने रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया का नाम दिया गया है। अगर उन एरियों में सड़क है, पानी है, बिजली है, हेल्थ की सर्विसेज है, तो उन लोगों को एक्सक्लूड किया जाए और जो ऐसे इलाके हैं जहां पर ये सुविधाएं नहीं हैं तो उसको इंक्लूड किया जाए, ताकि सही मायने में जो मोस्ट बैकवर्ड एरियाज हैं उनको ये जो है बेनिफिट दिया जाए।